दोस्तों, स्टार एजुकेशन आप सभी के लिए एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाने वाले पांच इम्पोर्टेंट मैथमेटिक के क्वेश्चंस लेके आ चुकी है, यानी मैथ के क्वेश्चंस लेके आ चुकी है, और जो परीक्षा के अंदर बहुत बार बार बारीकी से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ए अकेला किसी कार्य को 16 घंटे, बी 20 घंटे और सी 24 घंटे में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य पूरा किया। दोस्तों, प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को समझना है और उत्तर आपको देना है। देखिए, सवाल जो कह रहा है, तीनों ने मिलकर काम किया है, जबकि देखिए जिसकी मजदूरी 777 रुपए है, कितने 777 रुपए है। अब बताइए बी का हिस्सा क्या है, क्या पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। दोस्तों, ए अनुपात, बी अनुपात, सी 16, 20 और 24। अब इसमें सवाल पूछा गया, तीनों ने मिलकर काम किया। अब दोस्तों, तीनों ने मिलकर काम किया, कितना मजदूरी हुई, 777 रुपए, कितनी हुई, 777 रुपए, यस। अब बी का हिस्सा, दोस्तों बी का मेरे पास में ये, अब इसका मैं समीकरण थोड़ा छोटा कर देता हूं, मैं आपको इसका प्रारूप, इसका जैसे मैंने कर दिया 8, इनका कर दिया 10 और इनका कर दिया 12। अब इसका देखिए 4, 5, 6। अब दोस्तों, ये किसके बराबर है, 7-7 के बराबर है। अब इसका सॉल्यूशन आपको करना है, जो प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बी का हिस्सा मुझे बताएंगे दोस्तों। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सेम टू सेम प्रश्न है, थोड़ा चेंजेज है। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है और उस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए दोस्तों, पहले प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। चलिए देखिए दो नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल, तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनका क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, इसका जो क्या होता है एक्स स्क्वायर बटा 100, ये इसका जो भुजा है, प्रत्येक भुजा है ना, भुजा क्या होती है, अब इसमें देखिए 50 × 50/100, 0 से 0, 0 से 0, कितना बचा, 5 का 225, और टोटल भुजाएं कितनी, 100 है, मान 100 माना कि भुजा x, तो 100 में से लेस करेंगे 125 और 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, किसी को नहीं आया, नहीं आया है, नहीं आया ना, तो देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों, वापस देखिए सवाल, देखिए क्या बोल रहा है कि वर्ग के बारे में पूछा है, किसके बारे में, वर्ग, वर्ग की भुजाएं कितनी है, माना 100, कितनी है वर्ग की भुजा, माना कितनी है, 100 है। अब पूछा गया है कि भुजा में वृद्धि, तो दोस्तों इसका जो वृद्धि का जो क्षेत्र, वृद्धि करने का जो सूत्र है वो है एक्स स्क्वायर बटा 100। अब कितना है, 50 × 50/100, 20 से 20 कैंसिल, कितना बचा, 5 का 25, कितना बचा, 5 का 25 बचा, कितना बचा, 25 बचा, तो 25 इसके अंदर ऐड कर लीजिए, 125। अब अगर ऐसा मानते हैं और इसी में अगर आप ऐसा करते हैं कि माना कितना है वृद्धि, अगर मैं 100 है, 100 का 50%, इसका 100 का 50% मानता हूं, तो 150 × 150/100, यस, 0 से 0, 0 से 0, इसका कितना रहा, 250। अब 225 में से 100 माइनस कर लीजिए कि माना हमने कितना है 100, तो भी क्या आने वाला, 125, और पहले अगर करें तो भी 125, दोनों विधि से आपका राइट आंसर आ। देखिए, हरीश के पास कुछ गाय हैं, हरीश के पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गे हैं, दोनों में सिर पूछे तो 48, पैर पूछे तो 40, क्या करना है। देखिए
मेरे पास में मुर्गे कितने हैं, मुर्गे की टांगे कितनी होगी, 48 × 2 कितने हो रहे, 96। और उसके बाद में मेरे पास गाय, गाय के सिर कितने हैं, तो एक ही होगा, टांगे कितनी होती, 4, तो ये हो गए 192 हो गए। अब देखियो इसमें पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 140, तो देखिए 96 192 इन दोनों का बीच का मल, यहाँ पर बीच में कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा आपका 140। अब इनमें से इसे लेस करेंगे तो कितना आ रहा है, 52, और इनमें से इसका लेस कर रहा है 44। अब अनुपात ज्ञात कर लीजिए, इसका अनुपात 13:11, 13:11। तो अनुपातों का योग कितना हो गया, 24 किसके बराबर है, 48 के बराबर। अब देखिए दोस्तों क्या हो गया, 1:2, क्या हो गया, 1:2। अब पूछा हमारे पास में क्या, 1:2, अब पूछा क्या है, ये क्या है, गाय, तो गाय हमारे पास अनुपात कितना है, तो 11:2, 11 × 2, 11 × 2, तो 22 तो मेरे पास में क्या आ गई, गाय आ गई। अब मेरे पास में 11, अब 13, 13 × 1, 13 × 1 कितने हो रहे, 13, 13 × 13। मुर्गियां मेरे पास में कितने आएगी, मुर्गे 13, तो 22, तो गायों की संख्या कितनी होगी, 22 होगी, कितनी होगी, 22। समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक यदि तीन संख्या है, कितनी संख्या है दोस्तों, तीन संख्या है, ये ध्यान रखना है, और तीन संख्या का अनुपात क्या है, 5:7:9 है। यस, अब इसमें पूछा है कि लघुतम समापवर्ती, क्या पूछा है, लघुतम समापवर्ती पूछा गया है। तो दोस्तों अगर मैं 5, 7 और 9 का लघुतम समापवर्ती निकालता हूं तो बताइए इनमें से क्या हो रहा है, किसी का नहीं जा रहा है, तो मैं करूंगा 5 × 7 × 9, 9 × 9 × 7 63, 63 × 5, 5 × 3 = 15, असल की 1 × 6 = 35, 31, तो इसका कितना आ गया लघुतम समापवर्ती, कितना आ गया, 315। 315 किसके बराबर है दोस्तों, 1280 के बराबर। क्यों पूछा, अब पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब दोस्तों अगर मैं 1260 में 315 का भाग देता तो कितनी बार जाएगा, तो देखिए ये 3 × 4 चार बार चले जाए, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। अब दोस्तों 4 को 5 से गुणा करो, 4 को 7 से गुणा करो, 4 को 9 से गुणा करो। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब दोस्तों इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या बात, अब इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी 9, और 9 × 4 कितने हो रहे, 36 हो रहे, 9 × 4 कितने हो रहे, 36 हो रहे। अगर पूछते 9 × 7 तो ये 63, और 9 × 4 5 × 20, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, 9 का, तो 9 × 4 = 36, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, 36। चलिए देखिए निम्न श्रेणी क्रम में आगामी, ये जो खाली जगह दे रखी है यहां कौन सी संख्या आएगी, देखिए 1, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद में 3, तो कहने का मतलब पहले में +1, फिर +2, फिर +3 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16, और 16 + 6 कितने आ रहे, 22, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, क्या हो गया, 22। देखिए एक और पूछा है आगामी संख्या के बारे में पूछा है, देखिए क्या है, देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 4 = 72, 72 × 5, तो देखिए 5 × 2 = 10, 7 × 7 = 35, और 36 × 360, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 360। तो ये हमने मैथमेटिक के कुछ प्रश्न किए हैं और जो एसएससी जीडी के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए। एसएससी की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू।